अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल ट्रैवल गुरु मसूद में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मसूद आलम। आज मैं एक न्यूज़ लेके आया, न्यूज़ का एक अफवाह है। अफवाह को मैं सोचा कि इसको जरा क्लियर कर दिया जाए। आपको थंबनेल देख के लगा होगा और आप डर गए होंगे, यार ये क्या हो गया। अभी तो सऊदीजेशन इतना हो रहा है कि सऊदीजेशन के चलते हम लोग की सारी नौकरी जा रही, लेबर क्लास की ज़्यादा नौकरी बची हुई थी वो भी चली जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसमें भी जो है सऊदी औरतें उतर गई हैं, सऊदी जो है औरतें साफ सफाई कर रही हैं रोड पे उतर के। ये सब चीज़ें आपको देख के आपका दिमाग ठनक गया होगा। मैंने देखा, मेरा भी दिमाग ठनक गया, भाई ये क्या हो रहा है यार, ऐसा चलेगा तो यार कैसा चलेगा। ना लोगों को वहाँ नौकरी मिलेगा, ना यहाँ जो मुंबई में ऑफिस खोल के बैठे हैं लोग, ना उनको उनके पास काम आ पाएगा, तो कैसा चलेगा मेरा भाई, ऐसा रहेगा तो कुछ देर के लिए घबरा गए थे लोग और कई लोगों ने ये न्यूज़ शेयर भी कर दिया। सबसे पहले मैं आपको इस न्यूज़ की पूरी जानकारी दूंगा, आखिर ये क्या है, कौन है। वो लोग हैं अरब औरतें ही हैं, वो लोग अरब औरतें रोड पे साफ सफाई का काम कर रही हैं और धड़ल्ले से पूरा, मतलब उनका जो लेबर लोग रहते हैं जो क्लीनर, उनका वो एक जो कपड़ा रहता है ऊपर से एक पहनता है ना जुब्बा टाइप का, जुब्बा क्या वॉशकोट टाइप का कुछ ऐसा रहता है, तो वो पहन लेते हैं और वो पहन के वो लोग काम करते हैं और झाड़ू लगाते हैं रोड पे। मेरा भाई मतलब यार औरतें ऐसा लगा रही हैं, मतलब जोक सा पार्ट, आदमी लोग को भाई काम तो सबका अच्छा है, काम के लिए कोई कुछ नहीं हंस रहा है, लेकिन ये बातों पे हंस रही हंसी आ रही है यार ये क्या है। मतलब कुछ भी उठा के अपन डाल दिए, वीडियो बना दिए, चल रहा है मेरा भाई, चलने तो अपना चैनल पे चल जाएगा भाई, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा मत करिए। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जो लोग भी मतलब बिना इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गैदर किए और वो चला दे रहे हैं न्यूज़, तो लोग से गुजारिश ऐसा नहीं कर रहे। चलिए आप लोग पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। काम कर रहे हैं ना जो औरतें, जो लोग काम कर रही हैं इसमें, ये काम भाई साहब खाली ऐसा काम करके पैसे के लिए काम करना वो काम नहीं है, ये नौकरी नहीं कर रही हैं ये लोग, खुद का अपना जो मतलब वहाँ पे, ये सबसे पहले बता देता हूँ मैं, सबर। ये वीडियो जो है ना, ये UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हाल ही में आप लोग देखिए दुबई में, दुबई चाहे हो फुएजा हो रास अल खैमा हो अलैन हो सरजा हो, हर जगह इतनी बारिश हुई कि वहाँ पे तबाही हो गई। और वो बारिश भी कैसा हुई कि दुबई के शेख लोग क्या करते हैं, अपना शेख ही दिखाते थे, अभी सऊदी वाले भी दिखा रहे हैं कि ऊपर आसमान में ले जाके बादल कड़का के बारिश कराते थे कुछ केमिकल से, जो प्लेन में भर के वहाँ से ले जाके ऊपर कड़काई जाती थी और ऊपर से उसकी बारिश होती थी, वो केमिकल बारिश, उसको मतलब आर्टिफिशियल बारिश बोलते हैं, ठीक है, क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, वो लोग करते थे। अब भाई ज़बरदस्ती आप आर्टिफिशियल चीज़ें आर्टिफिशियल होती है, आप ऐसा क्या कि ना आर्मानी का ऐसा टैग लगा हुआ टी शर्ट पहन के आर्मानी नहीं बन जाएंगे ना, ब्रांड होता है। तो जो बारिश होती है ना ऊपर से, वो नेचुरल बारिश से कुदरती है, और जो आप आर्टिफिशियल बना के कराते ना क्लाउड सीडिंग, वो अलग चीज़ है। तो उसके वजह से वहाँ पे ऐसा हुआ कि इतनी वो लोग कर दिए कि अल्लाह मालिक बोले भैया चलो अभी तुम्हारे को बारिश की ज़रूरत है, बारिश मांगता तुम्हारे को देता अपन, वो ऊपर से जो बारिश आई है भाई साहब वहाँ तबाही। आप देखिए, तो आपने वीडियो देखे रहेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया तो वहाँ पूरा तबाही हो गया था, और उससे जो चीज़ें जो गार्बेज और जो मतलब कचरा जो रोडों पे भर गया है, जो रोड उखड़ गए हैं, उन सब का जो चीज़ें है ना उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं लोग। और ये जो देख रहे हैं आप वीडियो में क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मर्द भी हैं और उस लोग को अपना काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको ये करने के लिए, भाई अगर शॉर्टेज है लेबर की जो ये साफ सफाई करते हैं, वो वर्कर की शॉर्टेज है, तो हमारा घर के सामने है भाई, हम भी करेंगे। तो इसके लिए औरतें और वहाँ की शेख लोग भी आए, वो लोग कर रहे हैं काम, औरतें कर रही हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई चलो इस घटना और ये दुखद घड़ी में जो ये चीज़ें, जो एक आपदा आई हम लोगों के ऊपर कुदरती, जो कहर आया है उससे हम लोग साथ में मिल के निपटते हैं, चलो अभी शांति हुई तो हम लोग सफाई करते हैं, वो कर रहे हैं मेरा भाई ये लोग, समझे आप कुछ। तो ये दुबई की है, न्यूज़ को वेरीफाई करिए, फिर आप लोग न्यूज़ डालिए, आपके जो भी सऊदी लोगों में, सऊदी में लोग रहते हैं उनको आप अपडेट देते हैं, मैं भी अपडेट देता हूँ, सब लोग देते हैं, तो लेकिन थोड़ा वेरीफाई करके दीजिए तो अच्छा रहेगा। ये टिकटॉक अकाउंट देखिए, दुबई का है, ये दुबई की साहबजादी हैं, एक जन टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, इन्होंने भी उन लोगों के साथ में रह के किया है। अरब लोग कभी ऐसा काम नहीं करेंगे पैसे के लिए, एक चीज़ आप माइंड सेट कर लो, अरब लोग जो है ना अभी उनके इतने बुरे दिन नहीं है कि वो लोग ऐसा करेंगे रोड पे आके और ऐसा पूरा मुंह दिखा के और चलो भाई चलो हम लगा रहे, ऐसा वो लोग नहीं करेंगे, झाड़ू वाड़ू नहीं लगाएंगे मेरा भाई। वो जो लगाए हैं वो अपने खुद के ये के लिए कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि तुम लोग भी देखो हम लोग आ रहे हैं तो जल्दी तुम भी करो हम भी करते हैं, हमारे पे आपदा आई है, हमारे पे जो ये दुख की घड़ी आई है निपटते इससे, ये चीज़ है मेरा भाई। तो वो चीज़ वो लोगों ने किया है और सबको करना चाहिए भाई। अगर जो लोगों के साथ में अगर हमारे इधर भी प्रॉब्लम होता है किधर, तो कैसा लोग खड़े हो जाते हैं, सब
सरकार बाद में आए, नौकर जो है सफाई करने वाले बाद में, बारिश होती है कैसा गटर जाम होता है तो लोग खुद से सफाई करने लगते हैं यार, क्योंकि पानी आएगी तो हमारे इधर आएगी, कचरा आएगा तो हमारे घर में आएगा, तो अभी चलो ये हो गया तो हम सफाई करते, बारिश के बाद जो गंदगी रहती है उसको लोग ही सफाई करते, इंतजार नहीं करते कि कर्मचारी लोग आएंगे वो करेंगे, वैसा है उनके करने का मतलब जो है ना, वैसा है, पैसा नहीं है, वैसा है मेरा भाई, प्लीज समझो। हाँ तो आशा करता हूँ कि ये जो डाउट है और ये जो फेक न्यूज इधर उधर चला दी गई है उससे आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि फेक न्यूज से हटे, और अगर आप लोगों ने कहीं देखा हो दिमाग में सर यार डर गए अभी क्या करेंगे अपन यार ये काम भी नहीं मिलने वाला, तो प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी यहाँ रहे वहाँ रहे, जहाँ अल्लाह आपका रोजी लिखा रहेगा उधर आपको नौकरी मिलती रहेगी, टेंशन नहीं है, बस वीडियो शेयर करिए, डाउट लोगों का क्लियर करिए, और जो रूमर्स है उससे सावधान रहिए, और मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू गाइस।